हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए भाई, जल्दी से सभी बच्चे सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए सभी बच्चे सेशन को ज्वाइन कर लेंगे। एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू अंकित बाजपेयी, सिद्धार्थ, सचिन, राहुल, ब्रिजेश, पीयूष, गोल्ड सीरीज, मदन, संजय, गौरव, राहुल और आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बच्चे थोड़ा क्लास स्टार्ट नहीं हो पा रही थी, पता नहीं कुछ दिक्कत आ रही थी इस वजह से थोड़ा लेट हो गया। चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो जो भी बच्चे चैनल में नए हैं, सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। इंग्लिश विद पूजा मैम, ये आपका टेलीग्राम चैनल है, इसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा और क्लासेस की सारी पीडीएफ आपको चैनल पर मिल जाया करेगी। ठीक है, चलिए भाई तो स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर वन। तो आज हम मॉक 20 पर पहुंच गए हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर वन है आपके सामने। The man was absorbed dash in his work. The man was absorbed dash in his work. Into, at, with या फिर in? Preposition. First question है आपका preposition. चलिए भाई, question number one. The man was absorbed dash his work. Into, at, with या फिर in? तो question number one का answer बहुत ही आसान question है, preposition based है। आपको बताना है कि absorbed के साथ कौन से preposition लगती है। तो आंसर आ रहा है हमारे पास डी, इन भी आ रहा है और इनटू भी आ रहा है। देखो एब्जॉर्ब्ड का मतलब होता है कि एक तरीके से लिप्त होना, जैसे आप हिंदी में बोलते हैं ना लिप्त होना, या एक और वर्ड इसके लिए यूज होता है एनग्रॉस्ड, एनग्रॉस्ड। तो एब्जॉर्ब्ड है या एनग्रॉस्ड है, इन दोनों के ही साथ लगता है प्रेपोजिशन इन। द मैन वॉज एब्जॉर्ब्ड इन His work, या फिर अगर आप पानी के एब्जॉर्ब करने की बात करते हैं तो भी आप एब्जॉर्ब के साथ इन ही लगाते हैं। मान लो आपने कहा द कॉटन इज एब्जॉर्ब्ड इन वॉटर, ठीक है, तो एब्जॉर्ब्ड या फिर इनग्रॉस के साथ इन। आई डैश हिम फॉर द पोस्ट डैश ही वॉज वेरी एक्टिव। क्वेश्चन नंबर टू, वेरी कर देंगे इसे। आई डैश हिम फॉर द पोस्ट डैश ही वॉज वेरी एक्टिव। कमेंडेड या फिर इवन दो, एडमिटेड और बट, रिकमेंडेड एंड बिकॉज, एक्नॉलेज्ड एंड एंड। चलिए भाई, चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना, अच्छे से उनका मीनिंग देखो और उसके बाद आंसर कीजिएगा। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर टू के बारे में बता दीजिए और एक बार जरा सभी बच्चे लाइक कर देंगे। सभी बच्चे एक बार सेशन को लाइक कर दो जल्दी से। और इवनिंग में आज जो आपकी क्लास चलेगी 4 to 5, वो कल की ही क्लास कंटिन्यू चलेगी। कल हम फिलिप्स की क्लास कर रहे थे तो उसी के आगे आज कंटिन्यू करेंगे। तो चेक करती हूँ क्वेश्चन नंबर टू का आंसर आप क्या कर रहे हैं। सी कर रहे हैं, आई रिकमेंडेड हिम फॉर द पोस्ट डैश ही वॉज वेरी एक्टिव। कुछ ये ऐसा कहना चाह रहा है कि मैंने उसको उस पोस्ट के लिए, मतलब उसका नाम सुझाया उस पोस्ट के लिए क्योंकि वह बहुत एक्टिव है। चलिए तो अगर हम सेकेंड वाले ऑप्शन में देखें तो देखो बट ही वॉज वेरी एक्टिव तो नहीं, और एडमिटेड भी नहीं होगा। पोस्ट के लिए आप एडमिट नहीं करते, पोस्ट के लिए जो बेस्ट वर्ड आएगा वो आएगा रिकमेंडेड। किसी को रिकमेंड करना मतलब कि किसी की सिफारिश करना, तो मैंने उसको रिकमेंड किया, सिफारिश नॉट इन अ बैड वे, मतलब कि नाम सुझाया उसका, ठीक है, तो मैंने उसको रिकमेंड किया। आई रिकमेंडेड हिम फॉर द पोस्ट बिकॉज ही वॉज वेरी एक्टिव, क्योंकि वह बहुत एक्टिव है।
तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, शी रैंगल्ड ओवर एन एस शेडो। ईडियम होता है आपका रैंगल ओवर एन एस शेडो, इसका मीनिंग आपको बताना है। सैट ऑन द शेडो ऑफ द एस, क्वेरल्ड ओवर ट्रिफल्स, क्वेरल्ड लाइक फूल्स, या डिड अननेसेसरी वर्क। क्वेश्चन नंबर थ्री। चलिए भाई, तो जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं, सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे, क्लासेस की पीडीएफ आपको वहीं पे मिल जाएगी, और प्रीवियस वाले जो मॉक है जिन्होंने नहीं किए हैं वो रिकॉर्डेड क्लासेस भी देख सकते हैं और वो पीडीएफ डाउनलोड करके भी मॉक कर सकते हैं। और इसी वीक आपकी मैराथन क्लास भी आने वाली है, 3-4 घंटे की, मिनिमम 4 घंटे की रखेंगे उसे लगभग। तो इसी वीक देखते हैं आप किस दिन का शेड्यूल रखेंगे, बता दिया जाएगा आपको। शी रैंगल्ड ओवर एन एस शेडो, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, क्वेरल ओवर ट्रिफल्स। ट्रिफल का मतलब होता है अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स, अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स, तुच्छ चीजें या ऐसी चीजें जो जो किसी लायक ना हो या जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, उसके पीछे झगड़ा करना, उसके लिए कहा जाता है रैंगल्ड ओवर एन एस शेडो, और एस यहाँ पे गधे के लिए यूज हुआ है, ठीक है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर फोर, ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, नॉट हैविंग वन ऑब्वियस मीनिंग। वन वर्ड यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है और हमारे पास सेंटेंस क्या है, ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, ऐसी कोई बात जिसका आप एक से ज्यादा मतलब निकाल सके। लिखा है ना ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, जिसका एक से ज्यादा इंटरप्रेट आप कर सके, जिसको Not having one obvious meaning, जिसका एक ही मीनिंग नहीं होगा, आप कई मीनिंग उस बात के निकाल सकते हैं, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज होता है। क्वेश्चन नंबर फोर, ambidextrous, amorphous, ambivalent या फिर ambiguous। चलिए भाई आंसर बता दीजिए, यहाँ पे आंसर आप लोगों के बड़े कम आ रहे हैं भाई, क्या बात हो गई। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है आप लोग सुस्त पढ़ते जा रहे हैं, मुझे कहीं से भी आप लोग एक्टिव दिख नहीं रहे हैं आजकल। चलिए भाई, ambidextrous, amorphous क्या होता है, इन सभी का मीनिंग, इन सभी का मीनिंग क्या होता है ना, आप लोग मीनिंग लिख रहे हैं आजकल कुछ नहीं, बस ए बी सी डी लिखवा लो और फालतू की इधर उधर की बातें लिखवा लो। ऑब्वियस, एम्बिगियस, अनस्पेसिफाइड, बाकी वर्ड के मीनिंग कौन बताएगा। अच्छा, जैसे एग्जाम पास आ रहा है, हर्ट बीट तेज हो रही है, तेज हो रही है तुम्हारी, हल्की हो रही है। चलिए भाई, तो यहाँ पर आंसर तो देखो जाएगा एम्बिगियस। एम्बिगियस का मतलब होता है नॉट क्लियर, एम्बिगियस होता है नॉट क्लियर, जो मतलब साफ ना हो। मान लीजिए आपने मुझसे कुछ पूछा और मैंने इसे गर्दन हिला दी ऐसे करके, अब आपको समझना है मैंने हाँ बोला है या मैंने ना बोला है। तो ऐसी कोई भी बात या कोई भी जेस्चर या आपने कुछ भी ऐसा काम किया है जिसका एक से ज्यादा मतलब आप निकाल सके, या हम कह सके जो चीज क्लियर नहीं है, उसके लिए वर्ड यूज होगा एम्बिगियस। Ambivalent क्या होता है, Ambivalent का लिखो having mixed feelings, having mixed feelings about something, having mixed feeling मतलब कि, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी चीज के बारे में कोई ओपिनियन ना बना पाना, या फिर कोई भी निष्कर्ष ना निकाल पाना, कोई कंक्लूजन ना निकाल पाना। अगर आपसे अगर अभी कोई बोले कि क्या आप सपोज कहीं भी जाने, मान लो बोला कि शादी में चलोगे मेरे साथ, तो आप लोगों के दिमाग में ना दो दो चीजें बन रही हैं कि पेपर है पढ़ना भी है, और दूसरा आपको लग रहा है कि अरे शादी है उसमें भी जाना इंपॉर्टेंट है। तो जब मिक्स्ड फीलिंग्स हो आपके माइंड में, या आप कोई ओपिनियन ना बना पाए, तो उसके लिए वर्ड यूज होगा एम्बिवेलेंट। एमोर्फस क्या होता है, एमोर्फस शेप के लिए जनरली यूज होता है, जो टेढ़ी मेढ़ी से शेप्स होती है, जैसे आपने रॉक्स की देखी होगी, कोई एक वेल डिजाइंड शेप तो होता नहीं, कैसा भी शेप हो सकता है, तो उसी के लिए बोलते हैं आप अमोर्फस। और ambidextrous वो होता है जो दोनों हाथों से इक्वली काम कर सके, जो अपने दोनों हाथों को बिल्कुल एक जैसे तरीके से यूज कर सके, उसको कहते हैं ambidextrous। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इफ यू आर कॉट यूजिंग अ कैलकुलेटर इन द एग्जाम, यू देन इट विल बी टेकन, कॉन्फिस्केटेड, कॉन्फिस्केट या फिर अंडर पोजेशन। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 बता दीजिए अब। मैम आज मेरे मॉक टेस्ट में 18 सही थे, आज नहीं कल बोलो ना कि कल वाले मॉक टेस्ट में 18 सही थे। चलिए भाई बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छा है। कोई बच्चा कहता है कि मैम थोड़ा हिंदी में पढ़ाओ, आप हिंदी नहीं बताते हो। कोई बच्चा कह रहा है कि आप इंग्लिश में बताओ। तुम लोगों को खुश करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है,
चलिए भाई, इफ यू आर कॉट यूजिंग अ कैलकुलेटर देन इट विल बी, अब इंग्लिश में क्या बताना है, इंग्लिश में तो सारा लिखा ही है, देन इट विल बी, देखो कॉन्फिस्केट का मतलब होता है किसी चीज को जब्त कर लेना, लिख लीजिएगा, कॉन्फिस्केट होता है जब्त कर लेना, ठीक है। तो एग्जाम में अगर कैलकुलेटर तुम्हारे पास से मिला तो उसको जब्त कर लिया जाएगा। इट, इट किसके लिए आया, कैलकुलेटर के लिए, इट विल बी, उसको जब्त कर लिया जाएगा। पैसिव वॉइस यहां पर यूज हो रही है, और पैसिव वॉइस अगर यूज हो रही है कि तो बी के बाद जो भी वर्ब आएगी उसकी थर्ड फॉर्म आप यूज करेंगे, तो आंसर हो जाएगा इट विल बी कॉन्फिस्केटेड, आंसर सी नहीं, आंसर होगा बी कॉन्फिस्केटेड, और कॉन्फिस्केट का मतलब होता है किसी चीज को जब्त कर लेना। नेक्स्ट सिक्स, अच्छा जब्त हमेशा वो ही करेगा, जब्त वो ही करेगा जिसके पास उसको लेने की पावर होगी। अब मान लीजिए मेरे दोस्त के पास कैलकुलेटर है और मैंने उससे ले लिया, तो मैं जब्त, मेरा लिया हुआ जब्त नहीं माना जाएगा, ये तो ऐसे बोलेंगे कि आई हैव टेकन दैट कैलकुलेटर, मेरे लिए तो टेकन का यूज होगा, लेकिन जिस पर्सन के पास अथॉरिटी है उसको लेने की, जैसे अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो टीचर के पास पूरी अथॉरिटी है उसको लेने की, तो उसके लिए वहां पे वर्ड यूज किया जाएगा कॉन्फिस्केट, ठीक है। मान लीजिए कोई कार है, अब सड़क में पड़ी हुई है, पुलिस वाले उसे उठा के ले गए, तो पुलिस वाले उठा के ले गए तो कॉन्फिस्केट हो जाएगा, लेकिन सपोज अगर चोर उठा के ले गया तो उसको कॉन्फिस्केट करना नहीं बोलेंगे। कॉन्फिस्केट जब्त वो ही कर सकता है जिसके पास उसे जब्त करने की पावर हो। नेक्स्ट, प्लीज डोंट हिट मी, रीता सेड टू द अटैकर, नरेशन इसमें आपको चेंज करना है, प्लीज डोंट हिट मी, रीता सेड टू द अटैकर। चलिए भाई बता दीजिए इसमें क्वेश्चन नंबर सिक्स में नरेशन आपको चेंज करना है, और जरा लाइक कर दो जिन्होंने लाइक नहीं किया है, जल्दी से लाइक कर दीजिए। अच्छा एक बच्चा किसे बोल रहे हो भाई तुम, कि एयरफोर्स का क्वेश्चन भेज दीजिए, ए आंसर कर रहे हैं बच्चे सभी। चलिए, रीता बेग्ड द अटैकर टू नॉट टू हिट टू हर, ए ऑप्शन, जरा ध्यान से पढ़ो, मुझे लग रहा है ऑप्शंस में ही थोड़ी मिस्टेक है, चलिए चेक कर लेते हैं एक बार। प्लीज डोंट हिट मी, रीता बेग्ड द अटैकर, देखो इसमें सही आंसर दिया ही नहीं गया है, यहाँ पे सही आंसर नहीं दिया गया है। सही आंसर कैसे हो जाएगा, हम ए वाले को ही सही कर लेते हैं, यहाँ पर से टू हटाएंगे आप, यहाँ पर से टू हटाएंगे, दोनों जगह टू नहीं लगेगा, देखो क्या हो जाएगा, रीता बेग्ड द अटैकर, बेग का मतलब होता है बहुत ज्यादा प्रार्थना करना किसी से, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करना, तो रीता बेग्ड द अटैकर। अब ये सेंटेंस ऐसा है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि ये हो रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट, तो ये सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस है, और इंपेरेटिव सेंटेंस में कंजक्शन नहीं, दैट नहीं लगाते, सीधा टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो अगर इस ये अगर नेगेटिव सेंटेंस ना होता तो आप सीधा लिखते टू हिट हर, टू हिट हर, लेकिन ये सेंटेंस नेगेटिव है इसलिए नॉट लगेगा टू से पहले, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, रीता बैग्ड द अटैकर नॉट टू हिट हर। ये जो दो जगह टू लगा है ना, दो जगह टू नहीं लगाना, इसमें भी गलत दे रखा है और इसमें दे ही नहीं रखा है और इसमें भी गलत दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए वाले को आप करेक्ट कर लेंगे, दोनों जगह से टू हटा देंगे, ठीक है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर सेवन, डैश एंड माय यंगर ब्रदर वेंट टू मूवीज ऑल बाय आवरसेल्व्स, क्वेश्चन सेवन, डैश एंड माय यंगर ब्रदर वेंट टू द मूवीज ऑल बाय आवरसेल्व्स, आई माई माई सेल्फ या फिर माई ओन सेल्फ, बिल्कुल बच्चे रजत, क्लॉज की क्लास बिल्कुल करवाई जाएगी, एक क्लास बनाएंगे क्लॉज के लिए भी। चलिए भाई तो सेवन बता दीजिए, बिल्कुल इजी है, सेवन से इजी क्वेश्चन तो कोई हो ही नहीं सकता भाई। सेवन वाले का जिसने आंसर गलत किया एक बार जरा दोबारा से चेक करो, दोबारा से चेक करो, डैश एंड माय यंगर ब्रदर माय ओन सेल्फ, ये डी वाला आंसर कौन सेलेक्ट कर रहा है भाई इसके लिए, माय ओन सेल्फ डी कैसे सेलेक्ट कर ले रहे हो तुम लोग, यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं, डैश एंड माय यंगर ब्रदर, मैं और मेरा छोटा भाई, तो सब्जेक्ट है आप दोनों के दोनों, यहाँ पे सब्जेक्ट है तो सब्जेक्टिव फॉर्म यूज करेंगे माई, तो आंसर सीधा सीधा आई हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन को भी गलत कर रहे हो भाई, ऐसी गलती मत करो। नेक्स्ट, मिसेस वैजयंती टीचेस अस लिटरेचर, इसमें आपको वॉइस चेंज करनी है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए, लाइक कर देंगे जरा सभी बच्चे, सभी बच्चे लाइक कर दो, नेगेटिव केस में क्या बोल रहे हैं रवि सागर, पूरी बात बोलिए बच्चे, नेगेटिव केस में
मैं माइसेल्फ भी हो सकता है क्या? नहीं बच्चे, कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना माइसेल्फ, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से आप किसी भी सेंटेंस की शुरुआत नहीं कर सकते, ठीक है? तो वहां पे माइसेल्फ भी नहीं आएगा, आई ही आएगा। मान लो मुझे अपने को इंट्रोड्यूस करना है तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि माइसेल्फ पूजा, नहीं ये बिल्कुल गलत होगा। माइसेल्फ से आप सेंटेंस को स्टार्टिंग नहीं कर सकते। चलिए भाई, मिसेज वैजयंती, बच्चे जब एडमिट कार्ड आएंगे तो आपको भी पता चल जाएगा और मेरे को भी, आने ही वाले होंगे वैसे एडमिट कार्ड। मिसेज वैजयंती टीचेस अस, टीचेस अस यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज हो रहा है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम बी की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? इज, एम या फिर आर। चलो अच्छा, बीइंग तो आता नहीं, बीइंग तो कॉन्टिन्यूस में आता है, तो ये वाला आंसर भी नहीं हो सकता और ये वाला आंसर भी नहीं हो सकता, बी और सी तो बिल्कुल नहीं हो सकते। बीइंग आता है कॉन्टिन्यूस में, और हैव भी नहीं आ सकता, हैव कहां से आ जाएगा, हैव तो परफेक्ट में आता है। तो सीधा सीधा यहाँ पे आंसर हो जाएगा लिटरेचर इज टॉट। जब आपने इस वर्क को तोड़ा तो बी की कौन सी फॉर्म आई? इज, और टीच की थर्ड फॉर्म आ गई टॉट। तो आंसर आपका बिल्कुल साफ साफ डी वाला ऑप्शन बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द मैन विद द रोजेस डैश लाइक योर ब्रदर, द मैन विद द रोजेस डैश लाइक योर ब्रदर, लुक, लुक्स, लुकिंग या फिर नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर नाइन, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर नाइन बता दीजिए। केमिस्ट्री सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड होगा मैम क्वेश्चन सिक्स, बिकॉज प्लीज है। देखो बिल्कुल सही कह रहे हो आप, रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड का मतलब प्रार्थना करना होता है, और बैग का मतलब भी बच्चे प्रार्थना करना होता है। एक बैग का मतलब तो होता है भीख मांगना, एक बैग्ड का मतलब होता है, या बैग का मतलब होता है भीख मांगना, और दूसरा होता है जब आप किसी से बहुत ज्यादा हद से ज्यादा रिक्वेस्ट कर ले तो उसके लिए भी बैग्ड का यूज या फिर प्लीडेड का यूज करेंगे। प्लीड और बैग दोनों का ही मतलब होता है किसी से प्रार्थना करना या फिर रिक्वेस्ट करना, ठीक है? तो वहां पे जो हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया है वो बिल्कुल सही है, वहां पे आप बैग भी लिख सकते हैं, प्लीड भी लिख सकते हैं, रिक्वेस्ट भी लिख सकते हैं। हाँ जी, यहाँ पे कह रहे हैं द मैन विद द रोजेस, जिस मैन के पास रोजेस थे डैश लाइक योर ब्रदर, वो तुम्हारे भाई की तरह दिख रहा था। कौन तुम्हारे भाई की तरह दिख रहा था? रोज थोड़ी दिख रहे थे तुम्हारे भाई की तरह, वो मैन दिखाई दे रहा था। तो मैन है सिंगुलर, मैन है सिंगुलर, सिंगुलर है तो इसके साथ एस लग जाएगा। द मैन विद द रोजेस लुक्स लाइक योर ब्रदर, तो आंसर बी हो जाएगा, ये तो बिल्कुल इजी था। चलिए नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, सही स्पेलिंग को चूज कर लीजिए। मंजीत कह रहे हैं मैम सिक्स क्वेश्चन में, अच्छा ये तो हो गया, कुछ एक और क्वेश्चन कोई पूछ रहा था, डोंट था लेकिन डिड क्यों नहीं हुआ। देखो बच्चे एक बार देख लो इंपेरेटिव सेंटेंस का आप कैसे बनाते हो, इंपेरेटिव सेंटेंस का कैसे बनाते हो। मान लो आपने कहा, अच्छा अगर पॉजिटिव ये सेंटेंस होता, पॉजिटिव सेंटेंस होता मान लो कोई कि गो देयर, गो देयर, तो इसमें तो हम सिंपल बना देते ही सेड दैट ही, या हम ऐसे बोलते ही रिक्वेस्टेड मी, ही रिक्वेस्टेड मी टू गो देयर, He requested me to go there. Imperative sentence का आप कैसे बनाते हो? Imperative sentence में आप शुरू में ये लिखते हो जो भी है, request वगैरह जो भी है। इसके बाद कोई भी conjunction नहीं आएगा, that नहीं आएगा, if नहीं आएगा, whether नहीं आएगा, सीधा। अगर sentence positive है, तो to के साथ verb की first form, to के साथ verb की first form, और अगर sentence negative है, तो not plus to प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसे बनाते हैं बच्चे, ऐसे बनाते हैं जो शुरू में डू, और वो तो मैंने आपको वैसे भी बताया था कि शुरू में अगर डू डस डिड होगा तो उसको हमें हटाना होगा, उसको हम वैसे भी हटाते हैं डू डस डिड को, ठीक है, अगर हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होता है। पर यहाँ पे तो केस दूसरा ही बनता है, इंपेरेटिव में अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो नॉट और टू से बनाएंगे, और अगर पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो टू और उसके साथ सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डू को डिड में चेंज नहीं करना है। तो इररिवर्सिबल के सही स्पेलिंग देख लीजिए, डबल बार आर आएगा, इररिवर्सिबल, तो ये बी वाली स्पेलिंग हो गई। इर पहले आई आर लिखिए, फिर रिवर्स लिखिए, और फिर आई बी एल ई लगा देंगे, तो इररिवर्सिबल। कोई भी अगर स्पेलिंग है तो उसको तोड़ तोड़ के कभी भी याद किया करो, या तोड़ तोड़ के समझा करो, तो आसान हो जाएगा उसको बनाना। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 11, बार्बरस, बार्बरस का सिनोनिम बताना है रिफाइंड, पोलाइट, क्रूल या फिर सिविलाइज्ड।
चलिए मैम, वेदर का यूज कब होगा बच्चे? वेदर का यूज होता है जब आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस का नरेशन बनाते हैं। आप नरेशन वाली वीडियो को देखिए भाई, जिन भी बच्चों को नरेशन वाले टॉपिक में डाउट है, नरेशन की वीडियो करवाई गई है, 2 क्लास ली गई है नरेशन की, आप उसमें जाइए और नरेशन वाली वीडियो को देखिए। डेसिमेट नहीं, सॉरी, 11th क्वेश्चन है बारबरस। बारबरस का मतलब क्या होता है? बारबरस का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा क्रूर होता है, बहुत ज्यादा निर्दयी होता है, उसके लिए वर्ड यूज होता है बारबरस। तो यहाँ पे आंसर सीधा सीधा आपको दिख रहा है क्रूर, आंसर हो जाएगा क्रूर। और अगर एंटोनिम पूछा होता तो सिविलाइज्ड भी इसका एंटोनिम हो जाता, पोलाइट भी इसका एंटोनिम हो जाता, और रिफाइंड भी इसका एंटोनिम हो जाता। रिफाइंड किसके लिए यूज होता है? रिफाइंड, अच्छा, तेल होता है जैसे रिफाइंड, तो रिफाइंड तेल क्या होता है? जिसमें, जिसको पूरी तरीके से रिफाइन कर दिया गया है, छान दिया गया है, सारी इंप्योरिटीज निकाल दी गई है। वैसे ही अगर पर्सन रिफाइंड है तो ये माना जाता है कि वो बहुत ज्यादा सभ्य है। सभ्य पर्सन के लिए रिफाइंड वर्ड का यूज किया जाता है, सिविलाइज्ड भी जिसको आप कहते हैं। नेक्स्ट, डेसिमेट। डेसिमेट का एंटोनिम बता दीजिए। डेसिमेट, प्रिजर्व, डिस्ट्रॉय, एग्जीक्यूट या फिर अबेट। हाँ जी बिल्कुल, ब्रूटल भी कह सकते हो बच्चे आप, बार्बरस को आप ब्रूटल भी कह सकते हो, निर्दयी। ब्रूटल भी वही हो जाएगा, क्रूल। हाँ जी बिल्कुल भाई, ब्रूटल भी कह सकते हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए भाई अगला बता दीजिए, डेसिमेट का एंटोनिम, एंटोनिम ऑफ डेसिमेट। चलिए भाई लाइक कर देंगे सभी बच्चे, जिन्होंने लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कर दो, और क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताओ। डेसिमेट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, किसी चीज को बिल्कुल तहस नहस कर देना, डिस्ट्रॉय, या फिर आप कह सकते हैं एनीहिलेट। एनीहिलेट का मतलब भी होता है कि बिल्कुल जड़ से तबाह कर देना, नष्ट कर देना। तो डिस्ट्रॉय तो इसका आंसर हो नहीं सकता, बिल्कुल साफ साफ आपको दिख रहा है कि आंसर यहाँ पे प्रिजर्व होगा। जब भी आप किसी चीज को प्रिजर्व करते हैं तो उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं ना। मान लीजिए आप कह रहे हैं हम वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन कर रहे हैं, तो आप जंगली जानवर को बचाना चाहते हैं, तो प्रिजर्वेशन बचाने के लिए यूज होता है। तो डेसिमेट, डेसिमेट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, तो ए एंटोनिम हो जाएगा। ठीक, अबेट का मतलब होता है टू लेसन, टू लेसन, किसी चीज को कम करना, किसी चीज के प्रभाव को कम करना, उसके लिए वर्ड यूज किया जाएगा अबेट या फिर लेसन। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, वन हु हेट्स मैरिजेस। चलिए भाई ये तो आसान है, क्वेश्चन नंबर 13, वन हु हेट्स मैरिजेस, बिल्कुल सही कह रहे हैं, आर्मी लवर। डेसिमेट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, हैवॉक, रून, रेज, ऑब्लिटरेट, एनीहिलेट, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। नेक्स्ट, हाँ यहाँ पे क्या आंसर होगा ये तो पता ही होगा आप लोगों को, वन हु हेट्स मैरिजेस, शादी से नफरत करने वाला। तो मीसो से कुछ होगा रिलेटेड, तो मीसो और गैमिस्ट हो जाएगा, मीसो गैमिस्ट, गैमी रिलेटेड होता है मैरिज से। मिस एंथ्रोप हो जाएगा हेटर ऑफ मैनकाइंड, मानव जाति से नफरत करने वाला। मिसोजिनिस्ट हो जाएगा वुमेन से नफरत करने वाला, हेटर ऑफ वुमेन। और पॉलीगैमिस्ट हो जाएगा, पॉली का मतलब होता है बहुत सारी, तो जिसकी एक से ज्यादा शादियां हो उसके लिए वर्ड यूज किया जाएगा पॉलीगैमिस्ट, जो पर्सन एक से ज्यादा शादी करेगा कहलाएगा पॉलीगैमिस्ट। नेक्स्ट, चलिए भाई तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट है नेक्स्ट, ध्यान से पढ़िए और बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे बताइएगा। चलिए भाई सभी बच्चे 14 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, आई एम मीसोगैमिस्ट, देखते हैं भाई कब तक मीसोगैमिस्ट रहोगे। हाँ सब यही बोलते हैं शुरू में मीसोगैमिस्ट। मिसक्लिक, मिसक्लिक क्या होता है बच्चे? क्लास की टाइमिंग है आपकी मॉर्निंग 10 to 11 और इवनिंग 4 to 5, ठीक है? तो दो टाइम पे आपकी क्लास चलती है, मॉर्निंग और इवनिंग। और जरा टेलीग्राम चैनल जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, ऊपर देखो लिंक लगा है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है? और इस क्वेश्चन को सभी अटेम्प्ट करेंगे बच्चों। पैसेज वाला क्वेश्चन और सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाले जो भी क्वेश्चन है, उनकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका वो टॉपिक और स्ट्रांग होता जाएगा, ठीक है? तो कोशिश करिए कि इन दोनों चीजों की आप डेली प्रैक्टिस करें। डेली 5 सेंटेंस रीअरेंजमेंट करो और 1 पैसेज करो, बस इतना करना है आपको डेली एग्जाम तक, और आपके खुद ही 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। और बिल्कुल ये क्वेश्चन आते भी हैं, पैसेज का एक क्वेश्चन जरूर आएगा 4 क्वेश्चन के साथ, और सेंटेंस रीअरेंजमेंट जरूर आएगा। तो ये ऐसे टॉपिक है जिनमें आपको कोई ग्रामर नहीं पढ़नी, कोई वोकैबुलरी नहीं पढ़नी, बस आपको रोज इनकी रीडिंग करनी है और आपका खुद ही खुद ये टॉपिक सही होता जाएगा।
14 का आंसर सभी का ए आया। चलो भाई चेक कर लेते हैं फिर ए वाले को। मेकिंग अ वेरी स्मॉल पूल ऑफ वॉटर हैड फॉर्म्ड फ्रॉम रिसीडिंग टाइड आई नोटिस अ मैन फिश। कौन है भाई ए वाले? पिटोगे तुम लोग बहुत ज्यादा। एक तो बिल्कुल गलत हो रहा है। देखो कहां से तुमने ए बना दिया जरा बताना, कहां से कुछ सीक्वेंस बन रहा है। मेकिंग एस, मेकिंग अ वेरी स्मॉल पूल ऑफ वॉटर, चलो ये लाइन तो बन गई कि एक छोटा सा पूल ऑफ वॉटर बनाते हुए पी हैड फॉर्म्ड फ्रॉम द रिसीडिंग टाइड। क्या है ये कि मेकिंग अ वेरी स्मॉल पूल ऑफ वॉटर हैड फॉर्म्ड फ्रॉम द रिसीडिंग टाइड। फिर उसके बाद तुम क्यू कर रहे हो, आई नोटिस अ मैन फिशिंग इन, मैंने देखा कि एक मैन फिशिंग कर रहा है माई वे टू अ फेवरेट फिशिंग स्पॉट। गलत है भाई ये वाले, ए वाला आंसर गलत है, बिल्कुल भी इसमें लॉजिक नहीं बन रहा है। और आंसर बताओ क्या आ रहे हैं। सी आंसर कर रहे हो, चलो सी वाला चेक कर लेते हैं। मेकिंग अ वेरी स्मॉल पूल ऑफ वॉटर आई नोटिस अ मैन फिशिंग इन माई वे टू अ फेवरेट फिशिंग स्पॉट हैड फॉर्म्ड फ्रॉम द रिसीडिंग टाइड। सी भी गलत है भाई, सी भी गलत है, यहाँ पर सी भी सही नहीं बन रहा है। ये जो सब बच्चों ने अब सी सी आंसर किया है ना, ये सी भी सरासर गलत, बिल्कुल गलत है। बताओ अब आंसर क्या होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके ऑप्शन ही गलत हैं सारे? चेक कर लेती हूँ मैं। मेकिंग नहीं, ठीक है ऑप्शन सही दिए गए हैं। हाँ तुम बी कर लो, जो कि बी भी गलत है, बी भी बिल्कुल गलत है। यहाँ पे देखो आंसर क्या होगा, आंसर है इसका डी, आंसर है इसका डी। अब देखो क्या कह रहा है सेंटेंस में, मेकिंग आर मेकिंग माई वे टू अ फेवरेट फिशिंग स्पॉट। इसका मतलब है कि जब, अच्छा मेक माई वे ये ले होता है ना, मेक माई वे, मेक माई वे का मतलब है कहीं जाना, कहीं के लिए जाना या कहीं के लिए, जैसे मेक माई ट्रिप आपने सुना होगा, मेक माई ट्रिप, मेक माई वे मतलब कहीं के लिए जाना। तो कह रहा है मेकिंग माई वे टू अ फेवरेट फिशिंग स्पॉट, जब मैं अपने फेवरेट फिशिंग स्पॉट में जा रहा था, आई नोटिस्ड अ मैन, मैंने देखा कि एक आदमी फिशिंग कर रहा है इन अ वेरी स्मॉल पूल ऑफ वॉटर, छोटे से वॉटर के पूल में फिशिंग कर रहा है, हैड फॉर्म्ड फ्रॉम द रिसीडिंग टाइड। वो पूल जो कि बना है एक रिसीडिंग टाइड से, कोई टाइड जैसे लहरें होती हैं, रिसीडिंग मतलब जाती हुई या कम होती हुई, एक चढ़ती हुई टाइड होती है हाई टाइड, एक लो टाइड होती है उतरती हुई, तो जो उतरती हुई टाइड थी रिसीडिंग टाइड थी, उससे एक छोटा सा पूल बना था, उस पूल में एक आदमी फिशिंग कर रहा था। तो आंसर डी हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा इसका। ठीक है, टफ था क्या ये वाला? टफ था, सभी ने गलत किया, सभी बच्चों ने गलत किया, मैक्सिमम डी आंसर तो किसी ने बताया ही नहीं। शायद आप शुरू का ही सेंटेंस जोड़ नहीं पाए कि मेकिंग माई वे, लेकिन देखो इतना समझ में आ रहा था कि क्यू के बाद एस आएगा, क्यू के बाद एस आएगा, यहां से आपको हिंट मिल रही थी, आई नोटिस अ मैन फिशिंग इन अ वेरी स्मॉल पूल। खुद बताओ क्या क्यू के बाद एस नहीं जोड़ना चाहिए था? तो क्यू के बाद अगर आप एस जोड़ते ना तो भी आपको साफ साफ सही आंसर मिल जाता। मैंने आपको बताया है कि कई बार आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि जरूरी नहीं आपको पूरे सेंटेंस जुड़ते हुए दिखे, लेकिन कहीं पे आपको कोई दो सेंटेंस ऐसे होंगे जो आपको लगेंगे कि ये तो बिल्कुल साथ में ही जुड़ने चाहिए, तो अगर वो वाला लॉजिक भी लगाते तो भी डी आंसर निकाल पा। चलिए कोई बात नहीं, सीखना ही है आपको। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 15, शी सक्सीडेड ड्यू टू हर डैश वर्क, शी सक्सीडेड ड्यू टू हर डैश वर्क। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, देखो गलती इंसान से ही होती है और गलती से आपको सीखना ही है, गलती से आपको सीखना है, और इससे आपको ये सीखना है कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़िए। ठीक है, चलिए भाई अब इसका अगले वाले का आंसर बता दीजिए। शी सक्सीडेड ड्यू टू हर डैश वर्क। एक बच्चा जरा एक ही आंसर करे, इतने सारे आंसर मत किया करो। अब डी और चेक करो। अरे भाई डी ही तो आंसर था, शी सक्सीडेड ड्यू टू हर, अगर इसमें तुम लोगों ने गलत आंसर किया ना, सी सी सी, इसमें ए आंसर। मोस्ट हार्ड वर्क क्या होता है भाई, तुमने सुना है कभी मोस्ट हार्ड वर्क? मोस्ट हार्ड वर्क सुना है कभी? हार्ड वर्क ही सुना होगा, हार्ड वर्क ही सुना होगा। मोस्ट हार्ड वर्क क्या होता है? सिंपल आपका आंसर आ जाएगा सी, शी सक्सीडेड ड्यू टू हर वर्क, अपने काम की वजह से, वर्क हो गया नाउन। और कैसे काम की वजह से, कैसे काम की वजह से, तो यहाँ पे एक वर्ड चाहिए आपको एडजेक्टिव, और हार्ड हो जाएगा ड्यू टू हर हार्ड वर्क, ना हार्डर होगा ना मोर हार्ड होगा ना मोस्ट हार्ड होगा, सिंपल हार्ड वर्क।
चलिए क्वेश्चन 16, माय हाउस इज डैश बिग एज योर्स, माय हाउस इज एज बिग डैश एज योर्स। देखो जो ये वाला क्वेश्चन है, कंपैरिजन ना आप दो तरीके से कर सकते हो। कैसे? आप ऐसे भी लिख सकते हो कि माय हाउस इज, अच्छा यहाँ पे तो ना साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे गलती मत करना, यहाँ बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि एज लगा है लास्ट में। अगर लास्ट में एज लगा है तो एज और एज का पेयर बनता है, और एज का पेयर जब भी बच्चे बनता है बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव आता है, हमेशा पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव आएगा, तो आंसर तो हो जाएगा एज बिग एज योर्स। ठीक है, लेकिन हम कंपैरिजन ही तो कर रहे हैं दोनों के घरों में, तो कंपैरिजन हम कंपैरेटिव डिग्री से भी कर सकते हैं। तब हम लिखते हैं उस दूसरे केस में, माय हाउस इज बिगर देन योर्स। तो बिगर अगर आंसर आना होता तो बिगर के साथ यहाँ पे देन लगता, एज नहीं लगता। ठीक है, तो या तो एज और एज से कंपैरिजन करेंगे या फिर कंपैरेटिव डिग्री में देन के साथ कंपैरिजन करेंगे। नेक्स्ट, इट हैज बिकम हिज हैबिट टू डैश डू हिज होमवर्क एंड देन कॉपी इट फ्रॉम अदर्स। चलो भाई बता दो क्या होगा, ऑलवेज, ऑफन, फ्रीक्वेंटली या नेवर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मैम अगर सेंटेंस नेगेटिव होता तो भी ऐसा ही बनता, माई हाउस इज नॉट एज बिग एज योर्स। बस नॉट एज और एज से पहले लगा देते, बीच में नहीं लगाएंगे एज और एज के, माई हाउस इज नॉट एज बिग एज योर्स, ऐसे बनेगा। चलो भाई इसका आंसर बता दो जरा, क्वेश्चन नंबर 17 का, क्वेश्चन 17 का पढ़ लो जरा, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये तो सिर्फ मीनिंग पे बेस्ड है, इसका गलत मत बताना। इसमें भी दो आंसर आ रहे हैं, ए और सी। लाइक कर दो जरा जिन्होंने लाइक नहीं किया है। हाँ, इट हैज बिकम हिज हैबिट टू डैश डू हिज होमवर्क, ये उसकी आदत बन गई है। अगर आदत बन गई है तो इसका मतलब वो काम हर रोज उसको करता है। इट हैज बिकम हिज हैबिट टू डैश हिज होमवर्क एंड देन कॉपी इट फ्रॉम अदर, दूसरों से कॉपी करता है वो, इसका मतलब कि वो अपना होमवर्क नहीं करता है, तभी तो दूसरे से कॉपी करेगा। अगर किसी ने अपना होमवर्क कर ही लिया है तो वो दूसरे से कॉपी क्यों करेगा भाई, खुद ही बताओ। और तुमने क्या आंसर सेलेक्ट कर रहे हो, ए, मैक्सिमम बच्चों का ए आंसर आ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, इट हैज बिकम हिज हैबिट टू ऑलवेज डू हिज होमवर्क, कि वो हमेशा अपना होमवर्क करता है एंड देन कॉपी इट फ्रॉम अदर्स, बताना जरा ए कैसे सेलेक्ट कर लिया तुमने, जरा आंख और दिमाग खोल के रखा करो, कि एबीसीडी लिखने से तुम्हें ज्यादा मतलब रहता है कि फटाफट बस हमें आंसर करना है, क्या है बताओ। ऑलवेज तो सबसे गलत आंसर है इसमें, सबसे गलत जो आंसर है वो ए है, और तुमने ए ही सेलेक्ट किया है, फिर बोलोगे एग्जाम में हम गलत करके आ जाते हैं, यही गलतियां करते हो तुम वहां पे भी, ओवर कॉन्फिडेंस में तुम इतना रहते हो ना, किसी भी क्वेश्चन को देख के, हर क्वेश्चन को ऐसे देख के ऐसा सोचा करो कि बस यही लास्ट क्वेश्चन है, यही इस दुनिया का सबसे टफ क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को मुझे बिल्कुल अच्छे से करना है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा नेवर डू हिज होमवर्क, कभी अपना होमवर्क नहीं करता है तभी तो दूसरे से कॉपी करेगा, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट 18, प्लूरल ऑफ मोंगूज, मोंगूज शायद एक एनिमल का नाम होता है, प्लूरल ऑफ मोंगूज, चलिए भाई बता दीजिए। देखो मैंने आपको कहा ना, मैंने आपको ये बात कई बार बोली है कि एग्जाम में जब भी क्वेश्चन गलत होता है ना, आप खुद नोटिस करना, कोई भी सब्जेक्ट होगा, मैक्सिमम जो गलत क्वेश्चन होते हैं ना वो इजी वाले होते हैं, बहुत कम ही ऐसा होगा कि टफ वाले क्वेश्चन गलत होंगे, क्योंकि टफ वाले क्वेश्चन में पहली बात हम रिस्क नहीं लेते, और दूसरा अगर हमें नहीं आता तो हम छोड़ देते हैं, बट इजी क्वेश्चन हमेशा टेम्पटिंग होते हैं, उन्हें छोड़ने का हमारा मन नहीं करता, और हम ओवर कॉन्फिडेंट में रहते हैं हमेशा इजी क्वेश्चन देखते हुए कि ये तो मैंने बहुत बार पढ़ा है, ये तो मेरा सही होगा, ये तो मुझे बहुत अच्छे से आता है, उसमें हम लापरवाही बदल देते हैं, और उसी लापरवाही के चलते हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसीलिए मैंने आपको कहा है मॉक अगर आप दे रहे हैं तो आपको यही चीज सीखनी है, जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना है, हमेशा सोच समझ के और अच्छे से पढ़ के क्वेश्चन का आंसर करो। चलिए भाई, तो जिन भी बच्चों का आंसर मोंग, अगर मैं इससे पहले आपसे पूछूं कि गूज का प्लूरल क्या होता है, गूज का, तो गूज का प्लूरल बिल्कुल गीज होता है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन मोंगूज का प्लूरल मोंगीज नहीं होता है, मोंगूज के आगे हम एस लगा देते हैं, मोंगूजेस, आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा ए। तो ये खूबसूरती है इंग्लिश लैंग्वेज की, है ना। तो गूज डक होती है, गूज बतख को कहते हैं,
उसका प्लूरल तो गीज होता है, लेकिन मोंगूज एक एनिमल होता है और उसका प्लूरल होता है मोंगूजेस, तो मोंगीज नहीं मोंगूज हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, टू फेस द म्यूजिक, ईडियम है आपका टू फेस द म्यूजिक, टू प्रिपेयर टू गिव अ म्यूजिकल परफॉर्मेंस, टू सफर इवल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वंस बैड एक्शंस, टू सफर हार्डशिप्स या टू चेंज द थिंग्स। कोई बात नहीं बच्चे, जो भी लेट हो गए हैं क्लास में वो शुरू की क्लास देख लेना रिकॉर्डेड। चलिए भाई लाइक कर दीजिए और अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट। टू फेस द म्यूजिक का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ टू फेस द म्यूजिक। ऐसा लग रहा है ना पार्टी जाने से कुछ ऐसा होगा रिलेटेड इससे, तो चलो बी आंसर सभी कर रहे हैं, टू सफर इवल कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है रिजल्ट या नतीजा ऑफ वंस बैड एक्शन, अपने बुरे कामों की सजा प्राप्त करना या उसका नतीजा भुगतना, उसको कहते हैं टू फेस द म्यूजिक। हम सिंपल भाषा में बोले डांट पड़ना, अगर आपने कोई गलत काम किया है उसके बाद जो आपको डांट पड़ती है उसी को कहा जाता है, ठीक है, डांट पड़ती है या कोई पनिशमेंट मिलती है। ईच डोर एंड ईच विंडो डैश शट आर वॉज वर बी। अब इसमें भी देखना आप लोग जरूर गलती करोगे, तो ध्यान से करो उस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान से करिए भाई इस क्वेश्चन को। Each door and each window dash shut. चलिए क्वेश्चन नंबर 20 was आ रहा है अभी तक आंसर, और बताइए और बताइए was। तो इवनिंग में ध्यान है ना, क्लास का टाइम 4 to 5, ठीक है, और कल वाला ही हम आज कंटिन्यू करेंगे आगे फिलअप्स वाले क्वेश्चंस, और कल वाली पीडीएफ डलवा दी गई थी तो आप लोग को उसको जरूर चेक कर लीजिएगा और पढ़ भी लेना उसको। बी ही सभी का आंसर आ रहा है, ठीक है भाई बहुत बढ़िया है, आ गया ना ए, ए भी आ ही गया। देखो यहाँ पे सुन लो, जब भी दो सब्जेक्ट, अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं, दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं, बिल्कुल जुड़े हैं, और दोनों सब्जेक्ट के आगे या किसी एक सब्जेक्ट के भी आगे ईच लगा है, यहाँ पे तो दोनों के ही आगे लगा है ईच, या अगर एक के भी आगे लगा होता सिर्फ शुरू वाले के आगे लगा होता और ये क्वेश्चन होता ईच डोर एंड विंडो, तो जब भी दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं और दोनों या किसी भी एक के आगे ईच या एवरी लगा है तो वो पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। अगर ये सेंटेंस सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही लगेगी और आंसर आ जाएगा वॉज शट, बंद था, ईच डोर एंड ईच विंडो वॉज शट, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, द सन वॉज डैश द क्लाउड बिफोर By, behind या फिर beyond। चलिए भाई ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, क्वेश्चन नंबर 21, ध्यान से जरा सेलेक्ट करना क्या आएगा। द सन वॉज डैश द क्लाउड बिहाइंड, बिहाइंड आंसर कर रहे हो 21 का, क्या है क्वेश्चन नंबर 21, इज हो सकता है, हाँ जी इज भी हो सकता था वहां पर इज हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था, इज भी हो सकता था। मैम पैसेज भी डालो बच्चे, पैसेज भी है, अगर अभी आगे आपको दिखेगा पैसेज, पैसेज आपका रहता तो है सारे मॉक में, कोई बात नहीं तुक्का लगा रहे हैं तो देखो फायदा तो होगा नहीं बहुत ज्यादा तुक्का लगाने से, एग्जाम में मत लगाना, यहाँ पे लगा लो एग्जाम में मत लगाना। चलिए भाई बता दीजिए क्या आंसर होगा इसमें, बिहाइंड द क्लाउड, द सन वॉज बिफोर द क्लाउड, बिफोर का मतलब तो पहले होता है, बिफोर द क्लाउड नहीं आएगा यहाँ पे, सन वॉज वो ऐसा ही तो कहना चाह रहा होगा कि जो सूरज है वो बादलों के पीछे है, बादलों के पीछे है तो बिहाइंड द क्लाउड्स, बिहाइंड। अब बियॉन्ड का मतलब क्या होता है, बियॉन्ड का मतलब होता है परे, किसी चीज के परे या किसी चीज के पार, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, तो वहां के लिए बियॉन्ड यूज होता है। मान लो हमने कहा बियॉन्ड द माउंटेन्स देयर इज अ विलेज, ऐसा करके कुछ बोला कि मतलब पहाड़ के पीछे या पहाड़ के पर, ठीक है, तो यहां पे जो आंसर होगा वो बिहाइंड। नेक्स्ट 22, चलिए भाई अगला क्वेश्चन सेंटेंस रीअरेंजमेंट का, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, इसको गलत मत करना, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन गलत मत करना, मैं भी चेक कर लेती हूँ सही दिया है या नहीं। पीपल,
ठीक है, सही है। क्वेश्चन नंबर 22, चलिए भाई बता दीजिए यहाँ पे 22 का। बताया तो बच्चे इवनिंग में आपके फिलिप्स ही चलेंगे, कल वाले, कल वाले कंप्लीट नहीं हुए थे ना अभी, तो कल वाले ही फिलिप्स आज चलेंगे। बता दो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। आर क्यू एस पी डी आंसर आया है अभी तक हमारे पास। ये जो 100% वाले लिखते हैं ना कि 100% ये उनका कभी सही नहीं होता, मोस्टली उनका गलत होता है। चलो भाई डी कह रहे हो, ए भी हमारे पास आंसर आ रहा है। ए क्यू पी आर एस, पीपल वेंट टू हिम एट हिज डिस्पेंसरी ऑफ ऑल प्रोफेशन फॉर मेडिसिन एंड ट्रीट। चले भाई, तो 22 वाले का जो आंसर हो जाएगा, आंसर है हमारा डी। आंसर है यहाँ पे हमारा डी। देखो कैसे, पीपल फिर आर, ऑफ ऑल प्रोफेशन, सारे प्रोफेशन के पीपल, कुछ भी कोई काम करता होगा, हर तरीके के लोग। क्यू वेंट टू हिम, जाते हैं उसके पास। एस किसके लिए जाते हैं, फॉर मेडिसिन और ट्रीटमेंट के लिए। पी एट हिज डिस्पेंसरी, उसकी डिस्पेंसरी में। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, बी वाला कह रहे हैं, बी वाला कह रहे हो कुछ बच्चे किया होगा, पीपल वेंट टू हिम फॉर मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट एट हिज डिस्पेंसरी। क्या, पीपल वेंट टू हिम ऑफ ऑल प्रोफेशन, नहीं बच्चे, पीपल के बाद ही ऑफ ऑल प्रोफेशन आएगा, पीपल ऑफ ऑल प्रोफेशन, सारे प्रोफेशन के। तो सारे प्रोफेशन के कौन, लोग। तो ये वाली लाइन जोड़ना बहुत जरूरी है, पीपल ऑफ ऑल प्रोफेशन। ठीक है, तो सबसे पहले जो वन के बाद लाइन आएगी वो आर आएगी, और आर से ये दोनों, सी और डी में अगर आप सेलेक्ट करते हो तो बात भी है, लेकिन ए और बी तो आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, सेंटेंस रीअरेंजमेंट अगेन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। चलो भाई करो फिर, वैसे भी तुम लोग कहते हो सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन करवा दो मैम, तो करवा दो, नहीं आपको करना है बच्चे। एग्जाम के बाद आपका, एग्जाम के बाद आपका एयरफोर्स वाला जब एग्जाम खत्म हो जाएगा, तो अभी हम सोच रहे हैं, अभी प्लान कर रहे हैं कि क्या करना है आगे। या तो आपकी एसएससी की क्लासेस लाई जाएंगी, क्योंकि अभी आपका एसएससी का मेंस आने वाला है, और या फिर सीडीएस की क्लास लाई जाएगी। तो अभी देखते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के लिए एक एक क्लासेस चले, तो पहले एयरफोर्स का पेपर हो जाने दीजिए, फिर आप लोगों को बिल्कुल इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि क्या आगे चलने वाला है। वैसे भी आप लोग जो भी प्रैक्टिस, जिस भी चीज़ की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ एयरफोर्स की तो नहीं कर रहे होंगे, आगे भी एग्जाम्स की कर रहे होंगे, तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना। आप लोग या कोई भी क्या करता है, जब तक कोई एग्जाम आने वाला होगा तो 15-20 दिन तो आप खूब पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, और जैसे ही कोई एग्जाम खत्म हो जाएगा ना, आप बिल्कुल डाउन हो जाएंगे, अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल जीरो कर देंगे। और फिर जैसे ही एग्जाम कोई दूसरा आने वाला होगा, फिर एक महीने पहले आपकी नींद खुलेगी कि अरे हमें तो पढ़ना भी है। प्रिपरेशन को रोको मत, अभी तुम्हारी इतनी बढ़िया प्रिपरेशन हो रखी है, इसी को आगे कंटिन्यू रहने देना, छोड़ना मत बिल्कुल भी। द पीपल वर वर्किंग, अच्छा ये नहीं, क्वेश्चन नंबर 23, He knew that and then to save himself was to save all the lives entrusted to his care the duty of a captain. मैम PDF PQRS की PDF, अच्छा एक बात बताओ, जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे हैं एक बात बताओ, जो मैंने PQRS वाली PDF दी थी, कौन बच्चे हैं, 30 क्वेश्चन शायद उसमें थे, कौन बच्चे हैं जिन्होंने वो 30 के 30 क्वेश्चन सॉल्व किए, बताओ कितने बच्चे हैं यहाँ पे, कितने बच्चे हैं जिन्होंने सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए वो 30। ज्यादा मैंने जानबूझकर नहीं डलवाए थे, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन देख के ही तुम लोग बिल्कुल परेशान हो जाते हो और फिर उसको नहीं करते हो कभी भी। बताइए जरा मुझे, किस किस ने वो 30 क्वेश्चन किए। ही न्यू दैट, क्या उसे पता था, क्या पता था, एंड देन टू सेव हिमसेल्फ तो होगा नहीं, वॉज टू सेव ऑल द लाइफ। ही न्यू दैट द ड्यूटी ऑफ अ कैप्टन, देखो साफ साफ पता चल रहा है, He knew that the duty of a captain. ऐसे से हमारे सेंटेंस की शुरुआत होगी। चलिए भाई, अब S के बाद या तो Q आएगा या P आएगा। He knew that the duty of a captain was to save all lives. S के बाद Q बन रहा है, तो आंसर हो जाएगा A. आंसर A हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। देखो जरा कितने बच्चों ने हाथ उठाया है, कौन कौन बच्चे हैं, मुश्किल से 5, 6 या 10, 20 या 50 मान लेती हूँ, 50 बच्चे मुश्किल से ऐसे होंगे जिन्होंने वो क्वेश्चन किए हैं, और फिर मेरे को बोलते रहना कि मैम आप करवा दो, आप करवा दो। खुद से मेहनत मत करना, यही तो तुम्हारी गलत वो है, कमी, खुद से मेहनत नहीं करनी है तुमको। मैं बोलती हूँ कि डेली रोज एक पैसेज सॉल्व किया करो और 5 सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन सॉल्व किया करो,
तुम ऐसा करके तो देखो, अगर 15-20 दिन बाद कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा तो मुझे आके बोलना कि मैम हमने डेली ऐसा किया पर कोई भी इंप्रूवमेंट हमें नहीं दिखा, फिर मैं बताऊंगी, लेकिन करके तो देखो पहले। पीपल वर वर्किंग डैश दे हर्ड अ स्क्रीम व्हेन, बिकॉज, बट या फिर अनलेस। क्वेश्चन नंबर 24। हाँ मैम आप करवा दो, बस सब कुछ मैं करवा दूं। PQRS वाले क्वेश्चन मैं आपको नहीं करवाऊंगी, मतलब ऐसे ही करवाए जाएंगे जैसे मॉक है, अलग से नहीं करवाए जाएंगे। खुद करो उनको, खुद प्रैक्टिस करो, मेरे करवाने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे भी तो देखो तुम खुद ही कर रहे हो। When कह रहे हैं सभी बच्चे आंसर, बी 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 भी आंसर आ रहा है। द पीपल वर वर्किंग, पीपल काम कर रहे थे, बिकॉज दे हर्ड अ स्क्रीम, क्योंकि उन्होंने एक चीख सुनी। कौन है भाई बी वाला बताओ मुझे, कैसे लगा तुम्हें कि बी आंसर सही होगा, कैसे लगा बी आंसर सही होगा? पीपल वर वर्किंग, लोग काम कर रहे थे क्योंकि उन्होंने चीख सुनी। ऐसा मत करो यार, बी ऑप्शन नहीं होगा। पी, लोग काम कर रहे थे जब उन्होंने चीख सुनी, जब उनको चीख सुनाई दी उस समय वह काम कर रहे थे। वेन होगा आंसर, ए आंसर हो जाएगा। बट भी नहीं आएगा, लेकिन भी नहीं आएगा, और अनलेस भी नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, बता दीजिए कौन से टाइप का सेंटेंस है। क्वेश्चन नंबर 25, किस तरीके का सेंटेंस है ये? क्वेश्चन नंबर 25, राइज एंड शाइन इट्स 7 o'clock, राइज एंड शाइन इट्स 7 o'clock, डिक्लेरेटिव, इंपेरेटिव, इंटेरोगेटिव या फिर एक्सक्लेमेटरी। इसमें भी मुझे पता है तुम लोग गलत करोगे। चलो दो ऑप्शन तो हम हटा ही देते हैं, ना ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है और ना ही ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, ये दोनों तो है नहीं। अब ए और बी में से बता दो, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है ये या फिर इंपेरेटिव सेंटेंस है। चलो एक चीज बता दो भाई दोस्तों, डिक्लेरेटिव और इंपेरेटिव, मैंने आपको कितनी बार बोला डिक्लेरेटिव सेंटेंस में बच्चे आपको सब्जेक्ट भी दिखेगा, और इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा, प्लस इसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं दिया होगा। क्या यहाँ पे आपको सब्जेक्ट दिख रहा है? राइज एंड शाइन, उठो, उठने को बोला जा रहा है किसी को, राइज एंड शाइन कि उठ जाओ, और शाइन का मतलब यहाँ पे काम पे लगने से है, ऐसा कुछ कह रहा है। तो जब यहाँ पे आपको सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, जब यहाँ पे ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, तो डिक्लेरेटिव कैसे बना दे रहे हो सेंटेंस को? ये सेंटेंस है इंपेरेटिव, ये सेंटेंस है इंपेरेटिव, किसी को उठने के लिए बोला जा रहा है, किसी को कुछ काम करने के लिए बोला जा रहा है, और इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हम किसी को ऑर्डर देते हैं, बिल्कुल देते हैं। तो आंसर बी होगा इंपेरेटिव, ना कि डिक्लेरेटिव। अच्छा यहीं पे अगर लिखा होता यू राइज एंड शाइन तो हम देखते फिर, तो ये अगला सेंटेंस बन सकता, ठीक है, तो ये सेंटेंस हो जाएगा यहाँ पे डिक्लेरेटिव। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है फिर हमारा, अब हम पढ़ते हैं थोड़ा, एक पैसेज पढ़ लेते हैं जरा, बहुत ही आसान पैसेज है, पहले फटाफट से क्वेश्चन पढ़ ले या? चलो आज क्वेश्चन छोड़ो, आज हम सीधा पैसेज ही पढ़ रहे हैं, तो फटाफट सुन लेना पैसेज, ठीक है। अच्छा कल बच्चा मुझे एक बोल रहा था कि मैम आप पैसेज को ढंग से समझाया करो। बच्चे इतना आप इससे ज्यादा ढंग से बताओ मैं क्या समझाऊं, पूरे पैसेज की मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रही हूँ, अब इससे ज्यादा और ढंग से आपको कैसे समझाया जा सकता है पैसेज? और एग्जाम में कौन आएगा समझाने के लिए? एग्जाम में तो खुद ही समझना है, तो समझो फिर। देखो क्या लिखा है, फैट कम्स इन टू टाइप्स, दो तरीके से फैट पाया जाता है, किस किस तरीके से? एक तो ओमेगा थ्री की फॉर्म में, विच इज फाउंड इन मरीन लाइफ, जो कि जो समुद्र में रहने वाले या जो पानी में रहने वाले जो जीव होते हैं उनमें पाया जाता है ओमेगा थ्री। एंड दूसरे तरीके का है ओमेगा सिक्स, विच इज कंसेंट्रेटेड इन वेजिटेबल ऑयल्स, जो कि वेजिटेबल्स में पाया जाता है, वेजिटेबल के अंदर जो ऑयल्स होते हैं उसमें पाया जाता है। तो दो तरीके के फैट की ये बात कर रहा है। द फर्स्ट इज गुड, पहला फैट तो बहुत अच्छा है, ओमेगा थ्री जो होता है बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। द अदर इज प्लेन रॉटन, दूसरा जो फैट है वो बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेकार है, हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। द बेस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा थ्री इज प्रेफरेबली सी फिश, और सबसे ज्यादा ओमेगा थ्री, सबसे ज्यादा ओमेगा थ्री जिसमें पाया जाता है वो है सी फिश, समुद्र में रहने वाली जो फिशेस है उनके अंदर सबसे ज्यादा ओमेगा थ्री पाया जाता है। बट फ्राइंग इट इन ओमेगा जी सिक्स रिच वेजिटेबल ऑयल kills all its goodness. देखो ये क्या कह रहा है, इसने अभी बोला ना कि ओमेगा थ्री तो बहुत अच्छा है,
लेकिन ओमेगा सिक्स बहुत बुरा है हमारी बॉडी के लिए, जो कि किस में पाया जाता है, वेजिटेबल के ऑयल्स में पाया जाता है। तो ये कह रहा है लेकिन जब उसी फिश को जो कि बहुत अच्छी सोर्स है ओमेगा थ्री की, अगर आप उसको फ्राई करोगे वेजिटेबल ऑयल्स में जिसमें कि ओमेगा सिक्स होता है, किल ऑल इट्स गुडनेस, उसकी सारी की सारी अच्छाई को वो किल कर देता है, खत्म कर देता है। नेक्स्ट, एजिंग ब्रेन्स हैव लो लेवल्स ऑफ थायमिन। देखो क्या बोल रहा है वो, एजिंग ब्रेन्स, जैसे हमारा ब्रेन है तो वो दिन ब दिन क्या हो रहा है, बड़ा मतलब बूढ़ा हो रहा है, या हम एक तरीके से कह रहे हैं एज हो रही है हमारे ब्रेन की भी। एजिंग ब्रेन्स हैव लो लेवल्स ऑफ थायमिन, कि जो 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 बूढ़े लोग हो जाते हैं जिनकी काफी एज हो जाती है, उनके में लेवल जो थायमिन का लेवल होता है वो बहुत कम होता है, विच इज कंसंट्रेटेड इन व्हीट जर्म, जो कि, और अब वो बता रहा है कि थायमिन किस में पाया जाता है, थायमिन पाया जाता है वीट के जर्म में, मतलब गेहूं की जो बालियां होती है उसमें पाया जाता है, एंड ब्रैन हो गया, नट्स हो गया, मीट हो गया, सीरियल्स हो गया, इन सभी चीज में थायमिन पाया जाता है। मोर गुड ब्रेन फूड कम्स फ्रॉम लिवर मिल्क एंड आमंड्स। अब वो कह रहा है और ऐसा खाना जो कि दिमाग के लिए अच्छा है, मोर गुड ब्रेन फूड, ब्रेन फूड मतलब जो दिमाग के लिए अच्छा है, वो किस किस से पाया जाता है, लिवर से पाया जाता है, दूध से पाया जाता है, बादाम से पाया जाता है, विच आर रिच इन राइबोफ्लेविन, जो कि राइबोफ्लेविन से रिच है, मतलब उसके अंदर बहुत सारा राइबोफ्लेविन होता है, एंड एक्सट्रीमली गुड फॉर मेमोरी, दिमाग के लिए ये वाला सारा जो खाना है ये बहुत अच्छा होता है। कैरोटीन अवेलेबल इन डीप ग्रीन लीफी वेजिटेबल, और जो हरी सब्जियों में कैरोटीन पाया जाता है, और कैरेटीन होगा ये, और फ्रूट्स में जो पाया जाता है, इज ऑल्सो गुड फॉर जेरियाट्रिक ब्रेन। जेरियाट्रिक वर्ड रिलेटेड होता है ओल्ड लोगों से, बूढ़े लोगों से रिलेटेड होता है जेरियाट्रिक, तो जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए ये फ्रूट्स और हरी सब्जियों में जो कैरोटीन पाया जाता है वो भी बहुत अच्छा होता है। सो इज अ हाई आयरन, इट कैन मेक ओल्ड ब्रेन्स गैलप हाइपर एक्टिविटी लाइक यंग वंस। देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है अगर ऐसा खाना जिसमें हाई आयरन हो, इट कैन मेक, वो बना सकता है ओल्ड ब्रेन को, बूढ़े ब्रेन्स को भी गैलप, गैलप का मतलब होता है बहुत तेजी से भागना, जैसे आपने घोड़े को देखा होगा, घोड़ा जब भागता है तो बहुत तेजी से भागता है, उसके भागने को भी गैलप कहा जाता है। तो जो बूढ़ा दिमाग है वो भी बड़ी तेजी से भागने लगेगा, हाइपर एक्टिवली लाइक यंग वंस, जो जवान लोग होते हैं उन्हीं की तरह उनका दिमाग भी बहुत तेज चलने लगेगा। नेक्स्ट, आयरन कम्स फ्रॉम ग्रीन, आयरन किस किस से मिलता है, हरी सब्जियों से मिलता है, लिवर से मिलता है, शेलफिश से, रेड मीट और सोयाबीन से, सी फूड वेरी हाई इन आयरन, सी फूड में भी आयरन होता है, इज एन एक्सेलेंट डाइट सप्लीमेंट, उसको भी आप लोग खा सकते हैं। द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन रिपोर्टेड इन इट्स मे 1985 इशू दैट 30 ग्राम्स ऑफ फिश अ डे। तो ये कह रहा है कि किसी रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर एक दिन में हम 30 ग्राम फिश खाएंगे कुड रिजल्ट इन अ ड्रामेटिक ड्रॉप, तो बहुत एक आपको नाटकीय गिरावट दिखाई देगा इन द चांसेस ऑफ अक्वायरिंग अ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज मतलब हार्ट से जो रिलेटेड डिजीज है उसमें बहुत ज्यादा कमी देखी जाती है अगर आप डेली 30 ग्राम्स फिश खाते हैं तो। ठीक है, तो पैसेज बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल इजी है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है सी फिश, पर्टिकुलरली शेल फिश, क्रैब और जो भी है मैक्रिल एंड सार्डाइंस, ये सारे के सारे क्या है, समुद्र में पाए जाने वाले जीव, आर मोर इफेक्टिव देन रिवराइन फिश बिकॉज द लेटर इज मोर वल्नरेबल टू केमिकल एफ्लुएंट्स। ये कह रहा है कि जो समुद्र में पाए जाने वाले जीव है, समुद्र जीवी जो है वो ज्यादा अच्छी होती है, बल्कि जो रिवर्स में पाई जाती है उनसे, क्योंकि रिवर्स में तो बहुत ज्यादा गंदगी डाली जाती है और तो उनके अंदर भी वो गंदगी ऑब्वियसली है चली ही जाती है, लेकिन जो समुद्र होते हैं बड़े बड़े वहां पे जो फिशेस वगैरह पाई जाती है वो ज्यादा अच्छी होती है, ऐसा कुछ कह रहा है ये। ठीक है, चलिए भाई, तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम अपने। 30 ग्राम्स ऑफ फिश अ डे कुड रिजल्ट इन, क्या होगा अगर आप डेली 30 ग्राम फिश को खाएंगे, अभी बताया है इसने, बिल्कुल लास्ट में ही बताया है, 30 ग्राम फिश को अगर आप खाएंगे तो आपका क्या होगा डेली, बताइए भाई। अच्छा, बेस्ट तरीका तो यही था कि पहले हम क्वेश्चंस को देख लेते, लेकिन हमने नहीं देखे क्वेश्चन, कोई बात नहीं, आप इतने में ही बता दीजिए। चलिए भाई बता दो अब, तो उसने बताया था ना कि जो भी हमारी हार्ट की डिजीज होंगी वो कम होंगी, तो चेक कर लेते हैं। अ ड्रॉप इन द चांसेस ऑफ गेटिंग लंग कैंसर, नहीं,
अ ड्रॉप इन द चांसेस ऑफ गेटिंग हार्ट डिजीज, हार्ट डिजीज नहीं होगी आपको, तो ए आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, द बेस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा थ्री, बताओ उसने क्या बताया था, ओमेगा थ्री सबसे ज्यादा किसमें मिलता है, उसने एक ओमेगा थ्री बताया था, एक ओमेगा सिक्स बताया था, तो ओमेगा सिक्स तो उसने कहा था कि वेजिटेबल्स में मिलता है, लेकिन ओमेगा थ्री का उसने बेस्ट सोर्स क्या बताया था बताओ, बिल्कुल सही डी ऑप्शन, फिश बताया था उसने कि फिश में सबसे ज्यादा ओमेगा थ्री होता है। नेक्स्ट, जीरियाट्रिक्स, ये मैंने आपको अभी बताया था जीरियाट्रिक्स, अच्छा ये वन वर्ड में भी आता है ये क्वेश्चन, तो जीरियाट्रिक्स जो रिलेटेड होता है वो ओल्ड लोगों से रिलेटेड होता है, ओल्ड लोगों के से रिलेटेड कुछ भी आप बताएंगे तो जीरियाट्रिक वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट, कार्डियोवेस्कुलर रिलेट्स टू, उसने कहा ना कि कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस के बारे में उसने कुछ कहा था, तो बताना जरा कार्डियोवेस्कुलर का मतलब क्या होता है, हार्ट एंड टेंडन, हार्ट एंड मसल, हार्ट एंड कार्टिलेज, या फिर हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, क्वेश्चन नंबर 29। चलिए भाई ये वाला तो देखा होगा आप लोगों ने, ये तो आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, कार्डियोवेस्कुलर, डी आंसर आ रहा है और बी आंसर कर रहे हो, डी भी कर रहे हो, देखो एक तो हार्ट हो गया, कार्डियुलर का मतलब एक तो हो गया हार्ट, कार्डियक से रिलेटेड, और वेस्क्यूलर हो गया ब्लड वेसल, तो हार्ट एंड ब्लड वेसल, वेस्क्यूलर से रिलेट करो वेसल को, तो आंसर 29 का हो जाएगा डी। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, आमंड्स आर रिच इन राइबोफ्लेविन एंड आर गुड फॉर, किसके लिए अच्छे होते हैं आमंड्स, तो अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा है तो हम दोबारा पैसेज में देख लेंगे, कभी कभी देख लिया करो पैसेज दोबारा अगर किसी में डाउट हो, तो आमंड्स किसके लिए अच्छे होते हैं, वो शायद दिमाग की बात कर रहा था, जब वो ब्रेन फूड के बारे में बता रहा था तब उसने बताया था कि दिमाग के लिए ये खाना बहुत अच्छा होता है, तो आंसर हो जाएगा मेमोरी, मेमोरी के लिए बहुत अच्छा होता है, तो आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। तो चलो फिर आज की क्लास को एंड करते हैं, मार्क्स जरा सभी बच्चे जल्दी से बड़ा बता दीजिए, कोई बात नहीं पैसेज कभी कभी बड़ा आ जाता है, देखो आपको इस बात की टेंशन क्यों लेनी है पैसेज बड़ा है या छोटा है, क्या अभी तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, प्रैक्टिस ही कर रहे हो, एग्जाम में जैसा पैसेज आएगा बस आपको तो ये देखना है कि उस पैसेज को आप अच्छे से समझ पाए, तो पैसेज भले ही बड़ा था लेकिन बिल्कुल आसान था, बिल्कुल बेसिक बात बताई थी, कुछ भी ऐसा नहीं था पैसेज में जो समझ में ना आए, ठीक है। कल से मैं सोच रही हूँ कि कल से मैं ऐसे पैसेज डलवाऊँ जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं, ताकि आपको पता भी चल जाए कि प्रीवियस ईयर में कैसे पैसेज आते हैं, मतलब एग्जाम में कैसे पैसेज आते हैं, कितने बड़े आते हैं, या उनसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं, या उनका लेवल क्या होता है। चलिए ठीक है, फिर आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे इवनिंग में 4 to 5 फिलिप्स, वहां पे हम करेंगे कल का बचा हुआ था फिलिप्स वाला पोर्शन, वो आज हम शाम को करने वाले हैं, तो सभी बच्चे शाम की क्लास से जुड़ जाएंगे, और कल मिलेंगे मॉर्निंग में 10 बजे मॉक टेस्ट 21 के साथ, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, और फिर मिलते हैं शाम को, थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।